हेलो जी, वेलकम बैक बॉलीज विथ मनीष। तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई, मार्वल ना धमाकेदार ना करे, चुपचाप से वीडियो लॉन्च करवा दिया। मतलब मार्वल का कहना ये है, मार्वल जब कोई भी ट्रेलर लॉन्च करना हो, कोई मूवी अनाउंस होने से पहले ऐसे धमाकेदार इवेंट करता था। मतलब उसका इवेंट ऐसा होता था भाई, जैसे बॉम्ब फटने के मापी तो। लेकिन इस बार वीडियो जस्ट नॉर्मली लॉन्च करवा दिया। और मार्वल का बोलना ये था कि भाई, अभी का टाइम है बहुत कोविड का वजह से, पहले ऐसा ज़माना था जो आदमी चलता था, फिरता था, हक करता था, लेकिन अभी ऐसा दूर दूर आदमी भाग रहा है। तो इसके चलते नॉर्मली ऐसे ही छोटे मोटे करके वीडियो लॉन्च कर दिया। तो बोलते भाई, मार्वल इस साल के अंदर 4 मूवी बैक टू बैक रिलीज हो रहे हैं। ये बिल्कुल कॉन्फर्म्ड है, कोई डिले नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्फर्म डेट के साथ। तो मैं आपको बोलता हूँ 1 by 1। तो मेरा वीडियो फास्ट चल के इन तक जरूर देखो, मिस मत करो। ब्लैक वीडियो 9 जुलाई को रिलीज होने वाला है। लेकिन पहले ना मार्वल का कुछ रिलीजिंग डेट कुछ अलग था, ये था कुछ रिलीजिंग डेट। लेकिन अभी ब्लैक वीडियो 9 जुलाई को रिलीज होने वाला है। लेकिन भाई, ये आपको थिएटर के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म में भी देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, OTT प्लेटफॉर्म देखने के लिए ऐसा नहीं कि भाई एक बार रिसर्च कर लिया तो बार बार देखोगे, ऐसे नहीं है। जितना बार आपको मूवी देखना है ब्लैक वीडियो, उतना बार आपको OTT प्लेटफॉर्म रिसर्च करना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब रिसर्च मानी टिकट बहुत बड़ी। उसके बाद सेकेंड है अब शांग-ची, जो September 3 को रिलीज होने वाला है। यार वो तो पता है चाइनीज, वो भी सेम टू सेम थिएटर प्लस OTT प्लेटफॉर्म दोनों में रिलीज होने वाला है। ये मार्वल की बहुत बड़ी पॉलिसी। इटर्नल्स 5 November को रिलीज होने वाला है, सेम थिएटर में प्लस OTT प्लेटफॉर्म में। पे वॉच OTT प्लेटफॉर्म सेम टू सेम। मार्वल स्टूडियो का Spider-Man नो वे होम, मतलब Spider-Man का तीन Spider-Man एक साथ में देखने वाला है। उसके बाद तीनों का गर्लफ्रेंड, तीनों का विलेन, मतलब 9 का 12 भाई धमाकेदार वाले मूवी। भाई 17 December को रिलीज होने वाला है ये मूवी Spider-Man। भाई बहुत एक्साइटेड है, मार्वल की ओर से फिक्स रिलीज डेट है, कोई चेंज नहीं। तो एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन 6 महीने के अंदर 4 मूवी, वो भी फिक्स डेट, कोई चेंज डिले वगैरह कुछ भी नहीं। मार्वल वाले के लिए भाई थैंक्स है। थिएटर नहीं तो भाई OTT प्लेटफॉर्म में देख लूंगा यार। लेकिन और भी है, इसके अलावा भी मार्वल का और 2 मूवी आ रहा है। इसके साथ मार्वल ने और एक मूवी का लॉन्च किया है, 11 November 2022 को रिलीज होने वाला है द मार्वल। बेसिकली ये कैप्टन मार्वल 2 का जो नाम था उसको चेंज किया गया द मार्वल में। इसमें आपको देखने मिलेगा, द मार्वल में देखने मिलेगा आपको मनिका लांबो और उसके साथ साथ मिस मार्वल। आपको कन्फ्यूजन होगा मिस मार्वल कौन है। मिस मार्वल का ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार में उसका Part 3 वेब सीरीज आ रहा है, वो आप देख लो तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो भाई मार्वल वाले ने तो खुश कर दिया, लॉन्च करवा दिया। लेट्स सी कोरोना वायरस कब तक रहता है। तो भाई मेरा वीडियो अच्छा लगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो। फिर मिलेंगे ना ऐसे वीडियो में दोबारा। बाय बाय।